ये कहानी एक बहुत ही चालाक बच्ची की कहानी होती है। उस चालाक बच्ची का नाम होता है ध्वनि। तो ध्वनि बहुत ही चालाक और बदमाश बच्ची होती है। यहाँ पापा नीचे रूम में टीवी देख रहे होते हैं बड़े मजे से और न्यूज सुन रहे होते हैं। इतने में ही जिनी रूम में आती है और जिनी पापा से कहती है, पापा क्या सारा दिन आप न्यूज देखते रहते हो, और ये भी करो ना कि न्यूज इतनी पुरानी न्यूज, इसे बंद करो और मुझे कार्टून देखने दो। पापा कहते हैं, नहीं मैं तुझे रिमोट बिल्कुल नहीं दूंगा। इतने में ही पापा के पास कॉल आ जाता है और पापा बाहर चले जाते हैं। जिनी हैप्पी हो जाती है और टीवी देखने लगती है। इधर पापा की नजर टेबल पर पड़ी हुई किंडर जॉय पर पड़ती है। फिर पापा ऊपर जाते हैं जहाँ ध्वनि कार चला रही होती है और पापा ध्वनि को किंडर जॉय खाने के लिए कहते हैं। ध्वनि मना करती है लेकिन पापा जबरदस्ती खोल के ध्वनि को किंडर जॉय खिला देते हैं और ध्वनि बाद में बड़े ही मजे से चटकारे लेके किंडर जॉय खा लेती है और किंडर जॉय का रैपर डस्टबिन में डाल के और छोटा सा रैपर किचन के स्लैब पे रखकर चली जाती है। अब जिनी बड़े ही मजे से नीचे कार्टून देख रही होती है। इतने में ही पापा आ जाते हैं और पापा कहते हैं, जरा हट मुझे भी टीवी देखने दे। फिर जिनी और पापा मिलकर टीवी देख ही रहे होते हैं कि मम्मी कपूर का धुआं पूरे घर में लगा रही होती है और कह रही होती है, आलतू जलालतू आई भला कोटालतू, आलतू जलालतू आई भला कोटालतू। ये सुनकर जिनी हंसने लगती है और पापा कहते हैं, हाँ हाँ आज सारा पुण्य कमाओगी और सारे भूत प्रेत तुम्हारे अंदर ही आ गए क्या। मम्मी चुपचाप वहां से चली जाती है, कुछ नहीं बोलती। बाहर आके देखती है कि किंडर जॉय टेबल पर रखी होती है। मम्मी किंडर जॉय उठाती है और ध्वनि के पास जाती है और ध्वनि से कहती है, ध्वनि आप किंडर जॉय मंगा तो लेते हो पर खाते नहीं हो, चलो खाओ इसे और मेरे सामने खाओ। ध्वनि बड़े ही मजे से चटकारे ले लेके वो किंडर जॉय खाने लगती है। किंडर जॉय खाने के बाद ध्वनि को बड़ा मजा आता है और वो कहती है, वाह आज तो मेरा दिन ही बन गया, एक किंडर जॉय मुझे पापा ने खिला दी और एक किंडर जॉय मुझे मम्मी ने खिला दी। फिर ध्वनि के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। अब ध्वनि बड़े मजे से एप्पल खा रही होती है पर ध्वनि जिनी को एप्पल नहीं शेयर करती। वो कहती है, मम्मी मैं इसको एप्पल शेयर नहीं करूंगी क्योंकि इसने मेरे ऊपर प्रैंक किया था और छिपकली से डराया था। फिर जिनी कहती है, मम्मा मुझे पॉकेट मनी चाहिए, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई। फिर ध्वनि बोलती है कि मम्मी मुझे भी पॉकेट मनी चाहिए, आप उसे क्यों दोगे मुझे भी दो। ध्वनि के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है और वो पापा के पास नीचे जाती है और पापा से कहती है, पापा पापा मुझे पॉकेट मनी दो ना प्लीज, मम्मी ने तो जिनी दीदी को दे दी और मुझे देने से मना कर दिया। पापा कहते हैं, क्या मम्मी ने ऐसा किया, ले तू 500 रुपीज रख और 100 रुपीज और एक्स्ट्रा रख। इतने में जिनी आ जाती है। जिनी की आवाज सुन के वो पैसे छुपा देती है और जिनी उसे दिखाती है कि सोसाइटी में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है। ध्वनि कहती है, पर मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस है ही नहीं। इतने में ही ध्वनि बोलती है कि पापा मुझे फैंसी ड्रेस में पार्ट लेना है और कल ही ड्रेस चाहिए और मुझे आज ही लानी है तो आप चलो। फिर पापा कहते हैं, ध्वनि मेरे पास तो टाइम नहीं है, एक काम कर 2000 रुपीज रख ले और मम्मी के साथ जाके शॉपिंग करा। फिर ध्वनि के दिमाग में खुरापाती आइडिया आता है। अब मम्मी रूम में बुक रीड कर रही होती है। ध्वनि मम्मी के पास रोते रोते आती है और मम्मी से कहती है, मम्मी पापा ने मुझे बहुत डांटा और शॉपिंग पे जाने से भी मना कर दिया। फिर मम्मी कहती है, अच्छा पापा ने ऐसा क्या, रुक मैं बताती हूँ अभी पापा को। मम्मी बाहर जाती है और पापा से बात करती है और कहती है, आप ध्वनि को शॉपिंग पे क्यों नहीं लेके जा रहे। फिर पापा कहते हैं, मैंने ध्वनि को मना जरूर किया था यशना, लेकिन मैंने ध्वनि को पैसे भी दिए हैं शॉपिंग पे जाने के लिए। मम्मी कहती है, क्या आपने पैसे दिए ध्वनि को शॉपिंग पे जाने के लिए। पापा कहते हैं कि हाँ मैंने पैसे भी दिए और मैंने उसे पॉकेट मनी दी थी। मम्मी कहती है, हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, चलो मैं अभी से बताती हूँ। फिर शाम हो जाती है और रात होने वाली होती है। ध्वनि रोते रोते मम्मी के पास आती है और कहती है, मम्मी शॉपिंग पे चलो ना, पापा ने भी तो मना कर दिया था। फिर पापा रूम में आते हैं और पापा पूछते हैं, ध्वनि मैंने आपको पैसे भी दिए थे। ध्वनि फिर सब सच बता देती है और सॉरी भी बोलती है। तो फ्रेंड्स देखा, कभी भी मम्मी पापा से चलाकी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं। और वी होप आपको हमारी ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।